सर किवें चल रहा बिजनेस जी? की दसा भरावा, पिछले साल एक बार सारा सर्कल हिल गया ते हुण ट्रेन हौली हौली पटरी ते आऊगी, सेड माई नेबर। अच्छा जी चलो लैट्स गो फॉर अ कॉफी सर, आपां उत्थे सारी गल करते हैं। हाँ जी हाँ जी चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरे नेबर सिमरजीत जी की, जिनका हौजरी का बिजनेस है और जैकेट्स का होलसेल करते हैं। नॉर्मल बिजनेस ओनर की तरह उनका भी जब तक पेमेंट का सिस्टम चल रहा था, सर्कल चल रहा था, कभी ये पता ही नहीं चला कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉसेस में। लेकिन जब पिछले साल लॉकडाउन हो गया, सारा इनफ्लो रुक गया, तब एक एक एक्सपेंस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। क्या आपको भी अपना एग्जैक्ट मुनाफा या एग्जैक्ट नुकसान का बिल्कुल आइडिया नहीं है? डोंट वरी, आई विल बी गिविंग अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू दिस इन दिस वीडियो टूडे। बट उससे पहले मैं ये शेयर कर लूँ कि मैं हूँ कौन और मैं आपसे प्रॉफिट की बात क्यों कर रहा हूँ। आई एम अर्श गौर, आपका प्रॉफिट कोच, और मेरा मिशन है इंडिया के हर एसएमई बिजनेस ओनर के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करवाना। सो अगर आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट की घंटी को लगातार सुनते रहना करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू ऑलरेडी हैव इट, बिकॉज आई कीप कमिंग अप विद टिप्स एंड टूल्स टू इंक्रीज योर प्रॉफिट। सर हम दोस्तों जी की कह रहे थे अर्श भाई, आजकल ना समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, क्यों की हो गया भाजी? यार बिजनेस ना सब कुछ अच्छा चल रहा था, पेमेंट्स बस मैनेज करते थे, पेमेंट्स आ जाती थी, आगे पेमेंट्स कर देते थे, बीच में ही हमारे खर्चे निकल जाते थे। लॉकडाउन हुआ, मैंने मार्केट से 2 करोड़ रुपए लेने थे, सारी पेमेंट रुक गई भाई। अब मुझे तो आगे अपने वर्कर्स को वेजेस भी देनी थी, शोरूम का रेंट भी देना था, बैंक सीसी का इंटरेस्ट भी देना था। एक बार ऐसा सर्कल हिला कि दोबारा सेट ही नहीं हुआ। कॉफी का सिप लेते लेते मैंने उनसे पूछ ही लिया कि कितने साल हो गए सर बिजनेस करते हुए? कौन इसे 13 साल हो गए भाई। बिजनेस अच्छा चल रहा था, पहले बहुत ग्रो कर रहा था, बड़ी मुश्किल से ये सेटअप बनाया और अब ऐसा लग रहा है कि हम बैक टू स्क्वायर वन। कोई गल नहीं सिमर मेरे, तुसी टेंशन ना लो, अज इहदा हल करके ही उठांगे, तुसी बस मेरे क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब दे दे। नाउ डू यू ऑल्सो हैव अ सिमिलर प्रॉब्लम? अगर हाँ तो एक पेन और पेपर लेके आओ और सिमरजीत जी के साथ इन क्वेश्चंस का आंसर आप भी दे दो। पहला सवाल, सिमर पाजी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब क्या आपने ये सोचा कि बिजनेस में किसी तरह बस सेल्स बढ़ानी है, एक बार सेल्स बढ़ जाए फिर बस मजे ही मजे? ही रिप्लाइड, हाँ जी बिल्कुल यही ख्याल आया था। दूसरा सवाल, क्या आपने बिजनेस में कभी कस्टमर ऐड करने के लिए लॉस पे सेल की है? ही रिप्लाइड, हाँ जी की है। ओके तीसरा सवाल, क्या आपके कंप्यूटर ने आपका ऑर्डर काटने के लिए कई बार ऐसा रेट दिया जिसको आप बिल्कुल मैच नहीं कर पाए? ही रिप्लाइड विद पेन, हाँ यार हुआ है ऐसा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे आपके बिजनेस में सेल्स बढ़ती गई आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते गए, बट एक बार जब आपने कोई एक्सपेंस पाल लिया उसके बाद उसको कभी कम नहीं किया? ही थॉट फॉर अ वाइल एंड रिप्लाइड, हाँ यार बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। भाई मेरे इस सब में आपने कहीं पे भी प्रॉफिट की तो बात तक नहीं करी, हमेशा सेल्स बढ़ाने के बारे में सोचते रहे, चाहे लॉस पे बेच दें चाहे 2 पैसे कम कमा लें, बस सेल बढ़नी चाहिए। सिमरजीत जी खामोश हो गए, प्रॉब्लम ठीक हमारे सामने थी। अब जिस चीज पे हमने कभी फोकस ही नहीं किया वो बढ़ेगी कैसे? अपने आप, जादू से? इस यूनिवर्स का एक रूल है, व्हाटएवर वी फोकस अपॉन विल ग्रो। जहां पे फोकस जाएगा वहीं पे एनर्जी जाएगी और वही चीज ग्रो होगी, और हमने कभी प्रॉफिट्स पे फोकस ही नहीं किया। इन द इक्वेशन सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट्स, हम हमेशा सेल्स बढ़ाने पे और उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस मैनेज करने पे लगे रहते हैं और प्रॉफिट्स तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते। अब बिजनेस बढ़ाने के लिए हम प्राइस खेलते हैं, क्रेडिट खेलते हैं, बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट ले लेते हैं, बिजनेस से प्रॉफिट साइड नहीं करते ना बाहर निकालते हैं, और कुएं की मिट्टी कुएं में ही डालते रहे। यही एग्जैक्टली सिमर जी ने किया और मोस्ट लाइकली आपने भी यही किया है ना। नाउ इफ दिस मोमेंट इज अ रियलाइजेशन फॉर यू और आप प्रॉब्लम को एग्जैक्टली समझ गए हैं, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इन द चैट बॉक्स नो फोकस नो प्रॉफिट्स। और किसी भी एक चैट बॉक्स पे कमेंट करने वाले व्यूअर को मैं फ्री 1-to-1 दूंगा, क्या पता कुछ मिनटों में आपके कुछ करोड़ ही बच जाए। अब बात आती है सॉल्यूशंस की। आई आस्क्ड हिम टू कॉल हिज अकाउंटेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर द लास्ट मंथ बैलेंस शीट। आगे से अकाउंटेंट्स आप कहते हैं
कि सर सिमर जी ने तो मुझे पिछले महीने की बैंक स्टेटमेंट ही नहीं दी, तो बैलेंस शीट अभी बनी ही नहीं। आई वॉज शॉक्ड। सिमर जी जी इज सो मच स्टक इन टू बिजनेस कि वो नंबर्स पे फोकस ही नहीं कर पा रहे। नो, बिजनेस इज अ नंबर्स गेम। जब तक हम एग्जैक्ट नंबर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वी विल नेवर ग्रो। टोनी रॉबिन्स फेमसली सेज दैट व्हाटएवर वी कैनॉट मेजर वी कैनॉट ग्रो। काम चलाने के लिए हमने पिछले साल 31/3/21 की बैलेंस शीट मंगवाई और सिमर जी को काम पे लगा दिया। हमने एक्सपेंसेस को तीन टाइप्स में क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, पी प्रॉफिटेबल, ए अवॉइडेबल, यू अनअवॉइडेबल। प्रॉफिटेबल माने वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट प्रॉफिट से रिलेटेड हो, अवॉइडेबल माने वो एक्सपेंसेस जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, यू अनअवॉइडेबल मीन्स वो एक्सपेंसेस जो कि प्रॉफिट से रिलेट तो नहीं होते लेकिन हम उन्हें अभी अवॉइड नहीं कर सकते समहाउ। मैंने देखा जैसे जैसे सिमर जी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी कभी वो स्माइल करने लग जाते हैं और कभी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। आई अंडरस्टूड कि प्रोसेस काम कर रहा है। जब जब उन्हें एक अवॉइडेबल एक्सपेंस मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर जब आप भी एक्सरसाइज करेंगे आपके लिए भी एग्जैक्टली सेम होगा। सिमर जी ने कई एक्सपेंसेस किए हुए थे, मार्केटिंग की कुछ सब्सक्रिप्शन ली हुई थी जिनको उन्होंने कभी यूज ही नहीं किया और जिसने कभी उन्हें रिटर्न ही नहीं दिया। उन्हें एक ऐसा रेंट मिला शॉप का जो वो पे कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, लेकिन वो शॉप तो बड़ी देर से बंद पड़ी है। उन्होंने देखा कंज्यूमेबल्स का खर्चा बहुत ज्यादा है और जब डीप डाइव किया तो देखा कि यार फैक्ट्री में तो लाइट और ट्यूबलाइट्स और बल्ब ही बहुत खरीदे जा रहे हैं, चल क्या रहा है। सिमर जी वॉज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द आइडियाज टू रिड्यूस द एक्सपेंसेस एंड टू कट ऑफ द अवॉइडेबल एक्सपेंसेस। मैं समझ गया दैट ही हैज गॉट द गेम एंड आई नो when you will put in some deep diving sessions to this exercise every month, you will also get the game. Now I will be meeting Simar Paji next month to tell the next plan of action to manage these expenses, which I share in my Cash Profit Mastery course also. So if you want to know the process, please register for my free masterclass, jisme main help karta hu aap sab SME business owners ki to increase your profits with simple steps. Please click on the link in the description box and the comment box because there are very limited seats. So please reserve your seat now. I call this process rationalization, rationalizing the expenses to bring them to an optimum level. So the three steps to vaccinate your business from the third wave are digitalization, monetization, and rationalization. If you want to know more about the first two steps, digitalization and monetization, then please click on the link on the screen to get to the earlier two videos. I will be coming up with more such videos for my SME business community or the nation builders as I fondly call them. Till then, khush raho, mast raho, maze karo. Stay safe, stay happy, stay healthy and have a super profitable week ahead.